ये सोयाबीन की फसल है जिसे इन्होंने जमा करके। यार दोस्तों आज हम फिर से निकले हैं एक स्नेक रेस के ऑपरेशन पे, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं हमारे गवर्नमेंट तहसील और कोर्ट के सामने, इसी के पीछे पंचायत समिति के ऑफिस के पीछे पिछले साइड में खेत है। इस खेत में सांप निकला है, ऐसा हमें पाया है। तो देखते हैं, देखिए सार्वजनिक बात का मुख विभाग लेना पुर। देखिए दोस्तों जय दिख रहा है, थोड़े लोग का बस लेते। देखिए दोस्तों लोग हमारे इंतजार में अभी से बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम आ रहे हैं सांप रेस्क्यू करने। देखिए दोस्तों इसके अंदर है सांप, देखिए कितना बड़ा है ये। दोस्तों रेस्क्यूअर हमारे आगे आगे चल रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा सांप है। हमारे मित्र नितिन आडरकर भी हमारे साथ है दोस्तों, इन्होंने ही हमें कॉल किया था कि इनको कोई कॉल आया था कि हमारे खेत में सांप है, तो आप उनके कॉल करिए, हमारे दोस्त है। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा सांप है। ये हमारे भागिन रंगा मामा, देखिए दोस्तों ये हमारे भागिन रंगा मामा भोकरी जी है और उनका ये। तो दोस्तों देखिए ये है खेत के मालिक, जिन्होंने हमें कॉल करके इस सांप की जान बचाने के लिए हमें बुलाया है, हम इनका धन्यवाद करेंगे। दोस्तों आपका नाम बताइए। सैयद इमरान। तो दोस्तों हम सैयद इमरान जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। देखते हैं अब यहाँ कौन सा सांप है दोस्तों। तो चलिए एक बेजान जान को। तो दोस्तों देखिए हमारे रेस्क्यूअर कैसे कोशिश कर रहे हैं सांप को ढूंढने की, क्योंकि ये सोयाबीन की फसल है जिसे इन्होंने जमा करके रखा है। अब ये इसकी तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सोयाबीन का एक बहुत ही बड़ा ढेर था, लेकिन यहाँ के किसान ने हार्वेस्टर लगाया हुआ है, क्योंकि वो इसकी हार्वेस्टिंग करना चाहते थे और सुबह सुबह उन्होंने इसके ऊपर का पॉलीथीन निकाला था, क्योंकि बारिश की वजह से उन्होंने इसे ढक रखा था। जब उन्होंने निकाला तो उन्हें दिखाई दिया सांप, तो उन्होंने हमें कॉल किया था। अब देखते हैं सांप निकलने में कितनी देर लगाता है, अभी हार्वेस्टिंग करने में भी वक्त लगेगा दोस्तों, कितनी देर लगती है देखते हैं। हमारे रेस्क्यूअर बड़ी देर से राह देख रहे हैं सांप की, कब बाहर निकले, लेकिन सांप है कि नाम नहीं ये राह बाहर निकलने का। देखिए दोस्तों शायद इनके हार्वेस्टिंग हो रही है। तो देखिए दोस्तों ये हार्वेस्टिंग पूरी तरह से अभी हो रही है। हम 2 घंटे के लिए बाहर चले गए थे, क्योंकि हमें एक रेस्क्यू और दूसरा कॉल आया था, तो हम वो रेस्क्यू करके वापस यहाँ पे आ गए हैं। दोस्तों उनका कहना है कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने उस सांप को यहीं पे देखा है, तो अब हमारे रेस्क्यूअर इस सांप को देखेंगे यहाँ पे कौन सा सांप है। सुबह से निकालने की कोशिश हो रही है दोस्तों, इस सांप को देखिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाला है सांप। बहुत देर से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, इतने सारे लोग इस सांप की राह देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन सांप बाहर नहीं निकल रहा है। देखिए
दोस्तों सांप जो है हमें दिखाई दे गया है, देखिए 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 कितना बड़ा रेड स्नेक, देखिए दोस्तों बहुत ही बिग साइज का रेड स्नेक है, देखिए देखिए दोस्तों इसे धमन सांप कहा जाता है दोस्तों, इसे रेड स्नेक भी कहा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों यह सांप फसल के आसपास चूहे खाने के लिए आता है दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों रेड स्नेक एकदम पीले कलर वाला रेड स्नेक दोस्तों, देखिए दिखने में बहुत ही सुंदर, और येलो कलर वाला रेड स्नेक देखिए दोस्तों क्या कितना खूबसूरत, बहुत ही तेज भागने वाला घोड़ा छाप सांप, देखिए दोस्तों कितने सारे लोग यहाँ पे सांप को देखने के लिए जमा हो चुके हैं। देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ पे जो सुबह से यहाँ पे सांप देखने के लिए खड़े हुए दोस्तों, देखिए अरे डर रहा भी नहीं, जरा भी काटते हो तो दोस्तों अब हमारे रेस्क्यूअर सांप को बैग में पैक कर रहे हैं, हम इसे रेस्क्यू करके जंगल वाले एरिया में छोड़ देंगे दोस्तों, ताकि इससे इंसानों का संपर्क कम ही रहे और लोग इसे डरे नहीं या कोई इसे मारे नहीं दोस्तों। तो हमारे रेस्क्यूअर ने इस सांप को रेस्क्यू कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए थे सैयद मुनवर अली जी के खेत में, इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया कि इनके खेत में सोयाबीन के ढेर में एक सांप है, तो वो इस सांप को मारना नहीं चाहते थे, इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया और इस सांप की जान बचाई, इसलिए हम सैयद मुनवर अली जी का हम धन्यवाद करेंगे दोस्तों, और वक्त पर पहुंचकर इस सांप को रेस्क्यू करने वाले डी रूपनर जी का भी हम धन्यवाद करेंगे दोस्तों, ऐसे ही बेजुबान जानवर की जान बचाने के लिए और ऐसे ही हैरत अंगेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।